हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है हु इज सीक्रेटली इन लव विद यू, यानी कौन है जो आपसे छिप छिप के प्यार कर रहा है। ओके व्यूअर्स, ये इस बारे में भी हो सकता है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इस रीडिंग को ले सकते हैं कि कोई ऐसा है जिसे आप पर क्रश है, कोई ऐसा है जो आपको पसंद करने लगा है। तो मेनली बात यह है कि कौन है जो आपको छुप छुप के प्यार कर रहा है। ओके सो ये रीडिंग जनरल है व्यूअर्स, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। यह रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ, सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँच पाए। ओके व्यूअर्स, एक बात का ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर देता है, उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ओके आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय थ्रोट। ओके, मुझे तो कोल्ड भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ। अगर कमेंट बॉक्स में आपको कोई मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर देता है, तो उसका विश्वास ना करें। आइए चलिए देखते हैं हु इज सीक्रेटली इन लव विद यू। लेट्स सी, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हैंड मैन, Six of Swords, Ace of Cups. Wow, Ace of Cups is a very positive and beautiful card. तो व्यूअर्स, कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करता है? यहां पर व्यूअर्स ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जिसका फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ये पर्सन इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या हो सकती हैं, ये अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, इन करियर में आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन इंडिपेंडेंट हैं और सक्सेसफुल हैं। ओके, यस, सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड वुमेन, ऐसी इनके इनसे वाइब आ रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जो खुद के पैरों पे खड़ा है और फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी स्ट्रांग हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अबंडेंट हैं ये पर्सन। ओके, काफ़ी प्रॉस्परस हैं, काफ़ी अबंडेंट हैं, काफ़ी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, यस, ये पर्सन व्यूअर्स बहुत नॉलेजेबल भी हैं। हो सकता है ये टीचर हैं, या कभी इन्होंने किसी को टीच किया हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल, कहीं किसी को टीच किया हो, या किसी को ट्यूशन ही पढ़ाया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन नॉलेजेबल बहुत हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकर हैं। ओके, रिसर्चर हैं, रिसर्च करते हैं, और बुक्स में या रिसर्च में नॉलेज गेन करने में, कुछ नया सीखने में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि इनको नॉलेज बहुत है। कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया होगा, कोई ऐसा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा जिस पर इन्हें बहुत नॉलेज है। एट द सेम टाइम ये नई नई चीज़ों को भी सीखने के लिए तैयार हैं, तो काफ़ी नॉलेजेबल लगते हैं ये। इसीलिए एक टीचर वाली वाइब इनसे मिल रही है, एक गुरु, एक टीचर जिसको बहुत नॉलेज है, जो बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी कहा जाता है, जिसको कि ये सेंसिबल बहुत है, मैच्योरिटी है,
तो ऐसा लगता है कि इनके एक रिसर्चर वाली माइंडसेट है। ये हर चीज़ की तह तक जाते हैं, हर बात का मतलब जानना चाहते हैं, हर चीज़ का रीज़न जानना चाहते हैं। ओके, बहुत ही साइंस पर जैसे विश्वास करता है कोई, और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है अपनी अप्रोच में और बहुत ज़्यादा लॉजिकल है अपनी अप्रोच में, ये कोई ऐसा पर्सन है। वेरी नॉलेजेबल, वेरी ओपन माइंडेड एंड वेरी एजुकेटेड। ओके, यस, ऐसा दिखता है यहाँ पर। हो सकता है व्यूअर्स ये पर्सन आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है आपके बीच में। ये पर्सन किसी और सिटी, स्टेट, टाउन या कंट्री में रहते हों तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है। ऐसा लगता है जहाँ आप रहते हैं और जहाँ ये रहते हैं या जहाँ से ये बिलोंग करते हैं उस जगह के बीच में कोई वाटर बॉडी भी हो सकती है, जैसे यू नो आपके शहर और उनके शहर के बीच में कोई रिवर हो, या आपकी स्टेट और उनकी स्टेट के बीच से कोई रिवर गुजरती हो, ऐसा कुछ हो सकता है यू नो। बट अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस तो दिख ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, यस, दिस पर्सन रियली लव्स यू अलॉट एंड रिस्पेक्ट्स यू अलॉट। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड कहीं से भी ये कह नहीं सकता कि इनका इंटरेस्ट कम है या सिर्फ अट्रैक्शन है, नहीं, इट्स फुल ऑफ लव, इट्स फुल ऑफ रिस्पेक्ट। दिस पर्सन लव्स यू अलॉट, ये आपको जेन्युइनली लव करते हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए सच में प्योर हैं, ट्रू हैं, इनके इंटेंशंस भी प्योर हैं। ओके, और ये आपको रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एक यू नो वैल्यूएबल पर्सन समझते हैं, एक स्पेशल पर्सन समझते हैं अपनी लाइफ का, तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, ऐसा लगता है। यस, हो सकता है आप इनसे ऑनलाइन मिले हैं या कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले हैं, या कोई स्टडी का ही इन्वायरमेंट हो सकता है जहाँ आप इनसे मिले हैं, जैसे कोई लाइब्रेरी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज या कोई कोचिंग सेंटर, या यू नो ऑनलाइन स्टडीज़ करते वक्त, कुछ सीखते वक्त, वो भी हो सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ आप इनसे मिले हों। यस, व्यूअर्स, कहीं ना कहीं वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह चाहे नहीं जानते हों, मैनिफेस्टेशन प्रोसेसेस नहीं जानते हों, बट आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, आपको यू नो अपनी लाइफ में बुलाना चाहते हैं, अपनी लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहते हैं आपको। चलिए मैं इसे और क्लैरिफाई करती हूँ, तब मैं आगे की बात करूँगी। हु इज सीक्रेट, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, आई कैन नॉट कंसिडर ऑल ऑफ देम। Who is secretly in love with you? ये कार्ड अनफोल्ड नहीं हुआ है, लेकिन ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। कॉन्शियसनेस, इंटरेस्टिंग। ओके, अभी दोनों कार्ड अनफोल्ड हुए थे ना, जब मैंने वापस बंद कर दिया था डेक, जब मैंने कहा था काफी सारे कार्ड्स अनफोल्ड हो गए हैं, तो यही दोनों कार्ड आए थे ना, शायद आप देख लीजिएगा रिवर्स करके, मुझे क्लियर नहीं है, यही दोनों कार्ड्स थे क्या, क्योंकि ये कार्ड्स दोबारा आए हैं। अगर यही दोनों कार्ड्स थे तो ये कार्ड्स दोबारा शफल करने पर आ गए, विच मीन्स करेक्टली हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, मैच्योरिटी, ब्यूटिफुल, मैंने कहा ये बहुत मैच्योर हैं, सेंसिबल हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत विजडम है इनको। एंड पोस्टपोनमेंट, यस, ये व्यूअर्स बहुत समय से आपको अपने दिल की बात बोलना चाहते थे, लेकिन पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, ये पोस्टपोन करते रहे उस सिचुएशन को या उस प्रपोजल को, उस कन्फेशन को ये पोस्टपोन करते रहे। मैंने कहा जैसा कि आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बुलाना चाहते हैं, ओके, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं ये आपको, तो व्यूअर्स यहाँ पर मुझे कॉन्शियसनेस का भी कार्ड दिख रहा है, यानी कि कॉन्शियसली ये ऐसा ही सोचते हैं, इनकी थिंकिंग, इनकी थॉट प्रोसेस, इनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको अपनी फैमिली का भी हिस्सा बनाना चाहते हैं। ओके, यस, यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है, हो सकता है ये आपसे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आंखें भी बंद हैं, साइलेंस का कार्ड है, और ऐसा लग रहा है जैसे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, या आंखें बंद करके
शांत बिल्कुल होके आपके बारे में सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, आपको लेकर विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। ओके यस, तो बिल्कुल शांत है इनकी तरफ से। हो सकता है कि बिल्कुल ये आपसे बात ना करते हों, चुप रहते हों, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हों, तो क्योंकि साइलेंस यहाँ पर नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वो आपसे फ़ोन कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों चैनल हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल करें या आप उन्हें मैसेज करें या आपसे उनकी बात हो, ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे दोनों ही कार्ड्स ये दिखाते हैं कि ये सच में आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बट इन्होंने अब तक कुछ भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया है क्योंकि साइलेंस का कार्ड है। ये चुप रहे हैं, अब तक अपनी फीलिंग्स को लेके चुप रहे हैं। बट दैट डजंट मीन कि इनका कभी प्लान नहीं था, कभी इनको आइडिया नहीं आया आपसे कन्फेस करने का। ये एस ऑफ कप्स उसी का प्रमाण है कि इन्होंने कई बार सोचा होगा कि आपको कन्फेस करें, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं, प्रपोज करें, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया। यानी कि इन्होंने अगर सोचा होगा कि वो वक्त सही रहेगा, उस वक्त मैं आपको सब कुछ बताऊंगा या बताऊंगी, लेकिन फिर इन्होंने नहीं बताया, पोस्टपोन कर दिया कि चलो अभी नहीं बाद में बताएंगे। फिर कोई सिचुएशन ऐसी आई कि चलिए अभी नहीं बाद में बताएंगे, तो इन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने वाला जो टाइम डिसाइड किया उसको पोस्टपोन कर दिया और आगे बढ़ा दिया कि अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। इस वजह से बहुत डिले किया इन्होंने अपना प्रपोजल। ओके, क्योंकि एस ऑफ कप्स के कार्ड को पोस्टपोन कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। यह मैच्योरिटी का कार्ड भी है व्यूअर्स। यहाँ पर मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि ये पर्सन बहुत मैच्योर है, ये बहुत ही कैलकुलेटिव और लॉजिकल स्टेप्स लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये इमैच्योरिटी में कुछ नहीं करने वाले। ये अगर कन्फेस करने भी आएंगे तो इमैच्योरली नहीं करेंगे, बहुत मैच्योरिटी के साथ ऐसे समय का चयन करेंगे, ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे किसी मोमेंट को चूज़ करेंगे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए। ऐसा कोई मौका ढूंढेंगे जहाँ पर इनकी बात बन जाए, जहाँ पर सब कुछ इनके फेवर में हो जाए, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत मैच्योर हैं। ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे जहाँ इनका ही नुकसान हो जाए, ठीक है। ऐसा कोई समय नहीं चूज़ करेंगे जहाँ पर कन्फेस भी हो जाए फीलिंग्स और आप इनकी बात को ज़्यादा वैल्यू भी ना दें, ऐसा नहीं करेंगे। आप लोगों में एज गैप हो सकता है व्यूअर्स, ओके, क्योंकि ये बहुत मैच्योर लग रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों में एज गैप भी बहुत हो, बहुत नहीं पर एज गैप हो, एज गैप लग रहा है। ओके, चलिए इस डेक से देखते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। व्यूअर्स ये बहुत पॉजिटिव हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। इनका माइंडसेट जो है कि ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही टाइम पर प्रपोज कर देंगे, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो ये बहुत पॉजिटिव हैं। ये जिस तरह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ज़रूर इनकी लाइफ में एक दिन आ जाओगे, ज़रूर इनकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाओगे, तो ये बहुत पॉजिटिव हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। और लिखा भी है पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग ही कर रहे हैं और इनका यूनिवर्स पर फेथ भी है, विश्वास भी है। ओके, तो ये बहुत पॉजिटिव हैं आपके साथ अपने फ्यूचर को लेके। ओके, चलिए और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ठीक है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। व्यूअर्स ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। यस, आप अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री हो रही है। ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। Your prayers, affirmations and visualization help bring you together. मैंने कहा कि ये आपको लेकर विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आंखें बंद करके आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, इनकी लाइफ में आप आ जाएं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। यहाँ पर मैसेज भी आ गया, योर प्रेयर्स अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प्स ब्रिंग यू टुगेदर। यानी कि आपके पर्सन जो भी प्रेयर विजुअलाइजेशन वगैरह कर रहे हैं उससे वो आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप भी उनके सोलमेट हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये भी अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में बुला रहे हैं। ओके, तो आप ही इनके सोलमेट हैं व्यूअर्स। ओके, आपकी लाइफ में अगर इस पर्सन की एंट्री हो चुकी है, होने वाली है, तो ये आपके सोलमेट हैं।
चलिए आगे देखते हैं कि हमें क्या कार्ड मिलता है। ओके, हो सकता है व्यूअर्स आपने अभी उनके लिए इतना इंटेंस पैशन अट्रैक्शन फील नहीं किया है। आपकी तरफ से लाइकिंग या आपकी तरफ से इंटरेस्ट अभी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है इनकी तरफ। तो इसीलिए शायद ये अपने प्रपोजल को, कन्फेशन को पोस्टपोन करते रहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अभी आप इनको शायद इतना लाइक नहीं करते हो, अभी आपका इंटरेस्ट इनकी तरफ इतना नहीं है। तो अभी इस वक्त अगर आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे या प्रपोज कर देंगे इस वक्त आपको, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दें। क्योंकि अभी आपकी तरफ से इतनी केमिस्ट्री, इतना अट्रैक्शन नहीं नज़र आता। तो अगर दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन इतना इंटरेस्टेड नहीं है और उसी वक्त जाके आप उसे प्रपोज कर दोगे, तो ऑब्वियसली आप रिजेक्ट हो जाओगे। इसीलिए शायद वो सही मोमेंट का वेट करते हैं और अपने प्रपोजल को डिले और पोस्टपोन करते रहते हैं। चलिए देखते हैं आपके और उनके नाम में क्या अक्षर हैं। के व्यूअर्स, आपके या उनके नाम में के भी हो सकता है, आर हो सकता है आर के, जी हो सकता है आपके या उनके नाम में जी आर के, वी हो सकता है आपके नाम में उनके नाम में वी जी आर के, और एस एस हो सकता है आपके या उनके नाम में एस वी एम हो सकता है आपके या उनके नाम में एम, एंड ओ हो सकता है आपके या उनके नाम में। व्यूअर्स, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या आपके ये जो पर्सन हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं, सीक्रेटली आपको लाइक कर रहे हैं, ये कुछ अक्षर हो सकते हैं आपके या उनके नाम में। चलिए मैं एक कार्ड हैंड रिटन मैसेज लेती हूँ और देखती हूँ कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। सिर्फ एक ही मैसेज चाहिए था और अपने आप ही पॉप आउट हो गया। लेट्स सी किस बारे में है ये एक मैसेज। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। आप देख सकते हैं आई एम स्टार्टिंग, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, यानी कि मुझे हम दोनों के बीच का कनेक्शन अब समझ में आने लगा है। मैं हम दोनों के बीच के कनेक्शन को अब समझने लगा हूँ या समझने लगी हूँ कि हमारे बीच कुछ तो केमिस्ट्री है, हमारे बीच कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि आप इनके सोलमेट हैं। तो इसीलिए शायद इन्हें ऐसा फील हुआ है और तभी इन्होंने ऐसा सोचा भी है दैट आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, यानी कि हम दोनों के कनेक्शन को मैं समझने लगा हूँ या समझने लगी हूँ, ऐसा ही आपसे कहना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है, इस रीडिंग ने आपको गाइड किया है थोड़ा बहुत। अगर थोड़ा भी गाइड किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। ध्यान रखें इस बात का कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूं, तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से भी आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह देता है तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती और ना ही मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड किया है। कमेंट करके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं और कितने परसेंट रीडिंग रेजोनेट हुई है, 100% हुई है, कुछ परसेंट हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।